दोस्तों, अगर आपको भी मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या की ये फाइट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में भी राय देना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बता रहे हैं कि मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच आईपीएल का अहम मैच खेला गया, जिसमें मोहम्मद शमी की एक तेज तर्रार गेंद हार्दिक पांड्या के सीधे कंधे पर जाके लगी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने शानदार तरीके से बदला लिया और मोहम्मद शमी के इस ओवर में 14 रन ठोक डाले। एक छक्का और दो चौका उन्होंने इस ओवर में लगा डाला। हार्दिक पांड्या की इस पारी की बदौलत आज मुंबई ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। लेकिन एक समय जब हार्दिक पांड्या स्लो स्लो खेल रहे थे, तब लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कहीं हरा ना दें, लेकिन जैसे ही मोहम्मद शमी की गेंद उनके कंधे पर लगी, उसके बाद हार्दिक पांड्या का पूरा रूप ही बदल गया और उन्होंने जमकर पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई कर दी। इससे उन्होंने एक बात और साबित कर दिया कि जो सुबह से आज बात चल रही थी कि हार्दिक पांड्या को शायद टीम से वर्ल्ड कप की बाहर कर दिया जाए और उनके स्थान पर श्रेयस अय्यर या किसी युवा खिलाड़ी को लेकर वर्ल्ड कप में खिलाया जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस पारी ने एक बार फिर से उनकी फॉर्म और उनके टैलेंट पर मोहर लगा दी है कि उनसे बेहतर ऑलराउंडर सर टीम इंडिया के पास और कोई नहीं है। आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में वर्ल्ड कप में होना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको भी इन दोनों की फाइट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।